Students, Pena, mentor, channel, स्वागत है जल्दी से मेरे साथ सेशन में जुड़ जाएंगे सेशन को करेंगे। और आज आप लोगों को मैं कराने वाली हूं कुछ MCQs, अब से आप की उसकी सीरीज हम लोग शुरू करने वाले हैं सो आई होप आप लोगों को आज के सेशन में मजा आएगा स्टूडेंट एंड आज की क्लास आपको बढ़िया लगेगी तो चलिए स्टूडेंट आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है चलिए क्लास को अच्छे से देखिएगा स्टूडेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी के के सेक्शन सेक्शन जो खुद में काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों का है ठीक है चलिए आज का पहला क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं हम लोग स्टूडेंट कि हमारे सामने क्वेश्चन क्या दिया गया है ठीक है एक बार अच्छे से देख लीजिएगा आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको क्वेश्चन जो है वो आसानी से समझ भी आएगा सो so, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन क्या दिया गया है क्वेश्चन है व्हाट इज अ ह्यूमन एनाटॉमी आपको बताना है स्टूडेंट ह्यूमन एनाटॉमी क्या होती है बताइए भाई क्वेश्चन का आंसर देखिएगा और स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी ह्यूमन एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ द बैक्टीरिया एंड द वायरसेस ह्यूमन एनाटॉमी स्टडी ऑफ डिसीजे बताइए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे सबको आंसर देना है स्टूडेंट्स मुझे बताएंगे कि क्या होगा यहाँ पे हमारा सही आंसर ठीक है एक बार मुझे बताओ कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या रहेगा ठीक है एक बार अच्छे से क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द ह्यूमन एनाटॉमी एक बार हिंदी वाले बच्चे आप क्वेश्चन को देखेंगे क्वेश्चन का आंसर लगाना शुरू करेंगे मानव शरीर रचना शरीर के अंगों के कार्यों का अध्ययन है मानव शरीर रचना मानव शरीर की संरचना का अध्ययन है मानव शरीर रचना बैक्टीरिया और वायरस का अध्ययन है मानव शरीर रचना रोगों और उसके कारणों का अध्ययन है बताइए क्या होगा क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर सब लोगों को आंसर देना है बताइए स्टूडेंट के क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा जो ह्यूमन एनाटॉमी है वो क्या होता है स्टूडेंट ह्यूमन एनाटॉमी होता है ह्यूमन एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी जब आप क्या करते हैं स्टूडेंट आप ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं यानी कि संरचना का अध्ययन करते हैं मानव शरीर की ये क्या कहलाता है स्टूडेंट ये कहलाता है आप लोगों का अगर हम बात करें सो ह्यूमन एनाटॉमी ओके चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट मनुष्य के टखने में कितनी हड्डियाँ होती हैं आपको बताना है हाउ मैनी बोन्स डज ह्यूमन एंकल्स हैज आपको बताना है जो मनुष्य का टखना होता है उसकी जो एंकल होती है ठीक है उसमें कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं बताइए कौन बताएगा आंसर स्टूडेंट के मनुष्य के टखने में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं ये आप लोगों को बताना है तो मुझे बताइएगा कि मनुष्य के टखने में कितनी हड्डियां होती, है, होती हैं स्टूडेंट टोटल सेवन हड्डियां होती है ओके और इसको हम किस नाम से जानते हैं टर्स के नाम से जानते हैं ठीक है ना ध्यान से देख लीजिएगा इसको हम टर्सस के नाम से जानते हैं ठीक है ये वर्ड यूज किया जाता है एंकल की हड्डियों के लिए क्या यूज किया जाता है स्टूडेंट टर्सस ठीक है ना, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि आपके टकने की हड्डी के लिए हम इस वर्ड को इस्तेमाल करते हैं ठीक है ना सो so एंकल की बोन का अनदर नेम आप समझ सकते हो इसको ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन हैज़ अ सेंटर ऑफ कंट्रोलिंग ब्रीथिंग आपको बताना है मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में श्वास को नियंत्रित करने के लिए केंद्र होता है आप बताएंगे स्टूडेंट कि मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में श्वास को नियंत्रित करने के लिए केंद्र होता है यानी कि ह्यूमन ब्रेन में आपका जो रेस्पिरेटरी कंट्रोल यानि कि ब्रीदिंग कंट्रोल सिस्टम होता है या ब्रीदिंग कंट्रोल आपका क्या होता है पार्ट होता है वो ह्यूमन ब्रेन का कौन सा पार्ट या कौन सा सेंटर होता है बताइए आपको बताना है वो कौन सा सेंटर है जो ह्यूमन ब्रेन में है जो मनुष्य की ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है ठीक है ना यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट मेड्यूला ऑब्लिंगेटा ध्यान से देख लीजिएगा क्वेश्चन का आंसर बनेगा मेड्यूला ऑब्लिंगेटा इसकी शेप कैसी होती है स्टूडेंट मेड्यूला ऑब्लिंगेटा की शेप होती है एक कोन की तरह ठीक है ना एक शंकु की तरह ये ध्यान रखिएगा इसकी शेप होती है कोन की तरह और इसका कार्य क्या होता है कि जितने भी आपकी बॉडी के ऑटोनॉमिक फंक्शन होते हैं ऑटोनॉमिक फंक्शन मतलब जो आपके इनवॉलेंट्री फंक्शन है वॉलेंट्री नहीं कहेंगे इन्हें इनवॉलेंट्री फंक्शन कहेंगे सो जो ऑटोनॉमिक फंक्शन है जैसे सांस लेना है ना आपके बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो होना है ना आपका जो मान लीजिए रेस्पिरेशन है वो होना सो ऐसे फंक्शन के लिए क्या रहता है स्टूडन रेस्पिरेशन प्लस सर्कुलेशन ये दोनों आपके किस में आते हैं आपके इनवॉलेंट्री फंक्शन में आते हैं ठीक है ना इन इनपे आपका कंट्रोल नहीं होता है स्टूडेंट और इन्हें ऑटोनॉमिक फंक्शन भी कहते हैं सो so, उनको रेगुलेट करने का काम मेड्यूला ऑब्लिंगेटा का ही होता है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाउ मैनी पेयर्स ऑफ द स्पाइनल नर्व आर फाउंड इन ह्यूमन आपको बताना है मनुष्य में मेरु तंत्रिका के कितने जोड़े पाए जाते हैं बताइएगा तब लोग आंसर देंगे कि मनुष्य में जो आपकी क्या होती हैं स्पाइनल नर्व्स होती हैं उसके कितने पेयर पाए जाते हैं अच्छा आपको एक बात बता दूं स्टूडेंट के जो आपकी स्पाइनल नर्व होती हैं वो कहाँ से निकलती हैं स्पाइनल कॉर्ड से ही निकलती हैं ठीक है इतना ध्यान रखिएगा आपके शरीर में जो आपकी क्या होती है स्टूडेंट स्पाइनल नर्व होती हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं और ये टोटल कितने पेयर होते हैं थर्टी फर्स्ट एक बार ध्यान से देख लीजिएगा ये टोटल इकतीस पेयर होते हैं पेयर होते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे भाई क्वेश्चन दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन हेल्प्स इन द सिक्रीशन ऑफ एच फ्रॉम स्टमक आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पेट से एच के स्त्राव में मदद करता है आपको बताना है कि वो कौन सा हार्मोन है जो कि स्टमक में क्या करता है स्टूडेंट जो हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हैं उसके सिक्रीशन में मदद करता है सो मुझे बताइए वो कौन सा हार्मोन होगा गैस्ट्रिन सिक्रेटिन पेप्सिन और रेनिन कौन सा हार्मोन होगा स्टूडेंट्स बताओ एक बार जल्दी से सबको आंसर देना है कौन सा वो हार्मोन है जो कि मदद करता है आपके स्टमक में कि एच का प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो सके सिक्रीशन हो सके है ना क्वेश्चन का आंसर बनेगा गैस्ट्रिन हार्मोन एक बार ध्यान से देख लीजिएगा स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा यहाँ पे गैस्ट्रिन हार्मोन और आपको गैस्ट्रिन हार्मोन के बारे में मैं एक बात और बता देती हूँ कि ये आपके स्टमक में जो जी सेल होती हैं ठीक है ना आपके स्टमक में जो क्या होती है स्टूडेंट जी सेल होती है ठीक है ये उनसे सिक्रीट होता है इसका मतलब कहाँ से होता है स्टूडेंट सिक्रीट होता है जी सेल से जो कि आपके कहाँ पाई जाती हैं आपके लाइनिंग पे पाई जाती हैं किसकी लाइनिंग पे स्टूडेंट स्टमक की लाइनिंग पे ठीक है ना ये ध्यान रखिएगा जो स्टमक की लाइनिंग होती है ये वहां पाई जाती है प्लस स्टूडेंट ये पाई जाती है आपके अपर स्मॉल इंटेस्टाइन एक बार ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट एक तो ये पाई जाती है एक बार ध्यान रखिएगा जो आपका एक गैस्ट्रिन हार्मोन है ये सिक्रीट होता है जी सेल से ये जी सेल कहाँ पाई जाती है आपके पेट के अंदर जो पतली सी झिल्ली होती है उससे पाई जाती है यानी कि वहां से होती हैं ये प्लस आपके जो छोटी आंत का ऊपरी हिस्सा है ये वाली कोशिकाएं वहां भी पाई जाती हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इन द पैन क्रियाज मेक इंसुलिन आपको बताना है कि अमाशय में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका इंसुलिन बनाती है आप बताओगे स्टूडेंट कि अमाशय में इनमें से कौन सी वो कोशिका है जो इंसुलिन बनाने का काम करती है ये आपको बताना है सो so, मुझे बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा एपथिलियल सेल हिपैटिक सेल जर्म सेल प्लस आइसलिट सेल आपको बताना है कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा बताइए बताइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन का आंसर क्या होगा वो कौन सी सेल है जो कि क्या करती है आपके पैनक्रियाज में पाई जाती है और इंसुलिन बनाती है देखिए क्वेश्चन का आंसर बनेगा यहाँ पे आइसलेट सेल ठीक है जो आइसलेट सेल होती है ये कहाँ पाई जाती है पैनक्रियाज के आइसलेट्स ऑफ लैंगर में पाई जाती है ठीक है कहाँ पाई जाती है स्टूडेंट पैन क्रियास के आइसलेट्स ऑफ लैंगर हैंस में पाई जाती है ये स्टूडेंट काफी टाइनी सेल्स होती हैं यानी कि काफी छोटी छोटी सेल का क्या होता है स्टूडेंट एक क्लस्टर होता है ठीक है एक बार ध्यान से देख लीजिएगा एक सेकंड रुकिए स्टूडेंट मैं इसको अच्छे से लिख देती हूँ करेक्ट करके तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा ये क्या होता है स्टूडेंट टाइनी छोटी छोटी सेल का क्या होता है एक क्लस्टर होता है इसका मतलब एक क्या होता है गुच्छा होता है ठीक है ना इतना ध्यान रखिएगा ये पैन क्रियास के आइसलेट ऑफ लैंगर हैं पाई जाती हैं ठीक है चलिए आगे ध्यान से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है क्वेश्चन है मानव प्लेसेंटा से प्राप्त होता है आपको बताना है ह्यूमन प्लेसेंटा इज ड्राइव्ड फ्रॉम बताइएगा आपको बताना है जो मानव प्लेसेंटा है वो कहां से प्राप्त होता है एमनियन कोरियन एलेंटोइस एंड कोरियोन एंड एलेंटोइस बताइएगा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा कि आपका जो मानव प्लेसेंटा है वो किससे प्राप्त होता है चलो यहाँ पर आपको एक चीज और समझा देती हूँ स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा यहाँ पे आपको एक वर्ड दिख रहा है ठीक है ना एक बार इसको अच्छे से रिलेट करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे आपको एक वर्ड दिख रहा है ये कोरियोन इस कोरियोन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट इस का मतलब होता है ये क्या होती है पता है आप लोगों को एक आउटर लाइनिंग होती है ठीक है ये क्या होती है एक आउटर लाइनिंग होती है ठीक है जो किससे कनेक्टेड रहती है मैटरनल टिश्यू से कनेक्टेड रहती है है ना ये क्या रहती है आउटर लाइनिंग जो मैटरनल टिश्यू से क्या करती है जुड़ी रहती है ठीक है इतना ध्यान रखिएगा प्लस ये अमनियन अब ये क्या है भाई इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि भाई ये अमनियन होती क्या है सो so ये अमनियन जो होती है स्टूडेंट ये क्या होती है ये इनर लाइनिंग होती है इनर लाइनिंग का मतलब ये आंतरिक वाली झिल्ली है ये उसके बाहर वाली झिल्ली है सो so जो ये इनर लाइनिंग होती है स्टूडेंट ये किसकी होती है ये होती है एमनियोटिक सॉक की है ना यह सैक जिसको कहा जाता है लिख लीजिए आप लोग एक बार ठीक है एक बार इसको अच्छे से रिलेट भी करेंगे लिख भी लेंगे ये एमनियोटिक सेक जो होता है एक जो आपका लिक्विड होता है जिसमें बच्चा सिक्योर रहता है तरल पदार्थ ये उसकी इनर लाइनिंग होती है ठीक है अब आपको एक बात बता दूं कि जो आपका क्या होता है स्टूडेंट ये दोनों होते हैं ना इनर लाइनिंग एंड आउटर लाइनिंग ये दोनों जब मिल जाते हैं सो ये एमनियोटिक सेक बनाते हैं ठीक है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कोरियोन ठीक है एक बार ध्यान से देख लीजिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कोरियोन होगा ठीक है इन दोनों के मिलने पे एमनियॉन प्लस कोरियोन के मिलने पे क्या बन जाता है आपका एमनियोटिक सेक बन जाता है ठीक है चलिए एक बार आगे ध्यान से देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है स्टूडेंट पॉइंट दिया गया है मानव हृदय किसके द्वारा बना होता है आपको बताना है स्टूडेंट जो आपका ह्यूमन हार्ट होता है वो किसके द्वारा बना होता है तो देखिए ध्यान से देखिएगा क्या होगा आंसर टिश्यू मसल्स स्किन एंड बोन बताओ सब लोग आंसर देंगे कि मानव हृदय किसके द्वारा बना होता है यहाँ पे ध्यान रखिए स्टूडेंट की जो मानव हृदय है वो किसके द्वारा बना होता है मसल्स के द्वारा है ना मानव हृदय किसके द्वारा बनता है मसल्स के द्वारा और जो आपके हृदय की मसल्स होती हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है कार्डिक मसल्स के नाम से जाना जाता है ठीक है ध्यान से देख लीजिएगा इसे किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट कार्डिक मसल्स के नाम से जानते हैं जितनी भी आपकी हृदय की मांसपेशियां होती हैं और जिनसे मिलके हृदय बनता है यहां पे एक बात का और ध्यान रखिए स्टूडेंट की जो आपका हृदय है वो एक इनवॉलेंट्री ऑर्गन होता है क्या होता है इनवॉलेंट्री ऑर्गन यानी कि वो सारे फंक्शन अपनी इच्छा से करता है आपका उसके फंक्शंस पे कोई कंट्रोल नहीं होता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन सेल्स प्रोड्यूस इंसुलिन आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी मानव कोशिका इंसुलिन का उत्पादन करती है निम्नलिखित में से कौन सी मानव कोशिका है स्टूडेंट जो कि क्या करती है इंसुलिन का उत्पादन करती है ये आपको बताना है सो बताइए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या होगा निम्नलिखित में से कौन सी मानव कोशिका इंसुलिन का उत्पादन करती है ठीक है कौन सी करती है भाई बताओ क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा कौन सी आपकी ह्यूमन सेल है जिससे इंसुलिन प्रोड्यूस होता है वो होती है आपकी बीटा सेल्स है ना पैनक्रियास के आइसलेट्स ऑफ लेंगर की बिटा सेल से क्या निकलता है इंसुलिन निकलता है जो कि आपके शरीर में ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करने का काम करता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ग्रेवी ऑफ आरबीसी इज आपको बताना है कि ग्रेवी ऑफ आरबीसी क्या होता है यानी कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है बता दो भाई जो आर हैं आर का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है देखिए आर का जो नॉर्मल लाइफ साइकिल है वो 120 डेज़ का होता है कितना होता है स्टूडेंट 120 डेज़ का होता है ठीक है प्लस मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता देती हूँ कि जितनी भी आपकी ओल्ड आर होती हैं वो कहाँ जाके रिसाइकिल होती हैं पलिया में स्प्लीन में ठीक है ना कहाँ जाके आपकी रिसाइकिल होती है पिलीहा में होती है स्प्लीन में होती है सो so यही इनकी क्या कहलाती है कब्रिस्तान या ग्रेवी यार्ड कहलाती है ठीक है यहाँ पे एक बात और रखना ध्यान स्टूडेंट कि जो स्प्लीन होता है वो आपके शरीर को क्या करता है स्टूडेंट छोटे मोटे जो आपके इन्फेक्शन होते हैं जैसे मैनन्जाइटिस या फिर आप लोगों का निमोनिया इन सब से भी लड़ने का काम करता है इन सबसे जो बैक्टीरिया आपके शरीर में प्रवेश करते हैं उनसे भी लड़ने का काम करता है ठीक है so, आपको छोटे मोटे infection से भी क्या करती है, बचाती है ठीक है चलिए एक बार ध्यान से देखते हैं आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारे सामने क्वेश्चन देखो स्टूडेंट क्या दिया गया है विच ल्यूकोसाइड रिलीज हिस्टामिन इन ब्लड बताइएगा सबको आंसर देना है विच ल्यूकोसाइट्स रिलीज हिपेरिन एंड हिस्टामिन इन ब्लड आपको बताना है कि जो हिस्टामिन है और हिपेरिन है वो किसके द्वारा रिलीज किए जाते हैं कौन से ल्यूकोसाइट के द्वारा रिलीज किए जाते हैं यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिएगा हिस्टामिन आपका क्या है स्टूडेंट आप मान सकते हो एक तरीके का अमीनो एसिड मान लीजिए एक प्रोटीन मान लीजिए ठीक है प्लस अगर मैं बात करती हूँ स्टूडेंट हिपेरिन की िन so, एक तरीके का क्या होता है लिख लीजिएगा ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें ये क्या होता है स्टूडेंट ठीक है इसको नोट कर लो एक बार एंटी कॉगलेंट ये एक तरीके से एंटी कॉगलेंट फैक्टर कह लीजिएगा प्लस मैं आपको एक बात बता दूं स्टूडेंट की ये एक तरीके का डब्लू ही होता है ठीक है इसको क्या कहा जाता है एंटी कॉगलेंट फैक्टर भी कहते हैं और ये एक तरीके का डब्ल्यू होता है ठीक है इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि जो ल्यूकोसाइट हिपेरिन और हिस्टामिन को रिलीज करती है वो कौन सी होती है वो होती है आपकी बेसोफिल्स ठीक है जो बेसोफिल्स है वो इसको रिलीज करती है प्लस मैं आपको एक बात बता दूं स्टूडेंट कि जो हिपेरिन है वो शरीर के अंदर आपकी रक्त वाहिकाओं में आपकी धमनियों में है ना क्या नहीं होने देता आपकी शिराओं में रक्त का थक्का जमने नहीं देता ठीक ठीक है 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 ना ये ये एक एंटी फैक्टर है, इसका मतलब ये रक्त का थक्का शरीर के अंदर जमने नहीं देता चलिए आगे ध्यान से देखिएगा आपको मैं एक बात और बता दूं स्टूडेंट के जिन लोगों की डायलिसिस होती है ना उन लोगों को ये हिपेरिन का इंजेक्शन लगाया जाता है क्यों लगाया जाता है जिससे कि बॉडी में अंदर कहीं ब्लड क्लॉटिंग ना हो जाए ठीक है और ये आपके ब्लड को थोड़ा पतला भी करता है जिससे कि ईजिली बीपी आपका रेगुलेट रह सकता है ठीक है देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन विच ब्लड सेल्स सिक्रीट्स एंटीबॉडी आपको बताना है कि वो कौन सी आपकी ब्लड सेल्स हैं जो कि क्या करती है एंटीबॉडी को सिक्रीट करती है अच्छा यहाँ पे आपको मैं एक बात और बता दूँ स्टूडेंट कि ये जो सारे नाम दिए गए हैं ना न्यूट्रोफिल इसोनोफिल बेसोफिल मोनोसाइड्स दीज ऑल आर डब्ल्यू है ना ये ध्यान रखिएगा ये सारी की सारी क्या हैं आपकी डब्ल्यू हैं यानी कि सब आपकी श्वेत रक्त कणिकाएँ हैं ठीक है इतना ध्यान रखिएगा चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन है विच ब्लड सेल्स सिक्रीट्स एंटीबॉडी कौन सी ऐसी रक्त कोशिका है जो एंटीबॉडी का स्त्रावण करती है अब यहाँ पे भी मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जितने नाम यहाँ मेंशन किए गए हैं ना ये सारे के सारे क्या हैं स्टूडेंट डब्लू हैं, है यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं हैं आपको बताना है इनमें से कौन सी वो फैगोसाइट्स है कौन सी वो श्वेत रक्त कणिका है जो कि क्या करती है आपके शरीर में एंटीबॉडीज को रिलीज करती है क्या बनेगा क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट्स ठीक है एक बार ध्यान से देख लेंगे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट लिम्फोसाइट्स ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हीमोग्लोबिन इज ए आपको बताना है कि हीमोग्लोबिन होता क्या है ठीक है ना ये आप मुझे बताएंगे कि हीमोग्लोबिन क्या होता है वो एक रिप्रोडक्टिव पिगमेंट है वो एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो एक कार्बोहाइड्रेट है या वो एक फैट है ये आप मुझे बताओगे कि हीमोग्लोबिन आखिर है क्या रिप्रोडक्टिव पिगमेंट रेस्पिरेटरी पिगमेंट कार्बोहाइड्रेट या फिर फैट बता दीजिए देखिए हीमोग्लोबिन के बारे में अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट तो ये तो आपको पता है कि भाई ब्लड में होता है है ना प्लस मैं आपको बता दूं स्टूडेंट के जो हीमोग्लोबिन है वो एक तरीके का रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है क्यों होता है चलिए ये भी आपको बताते हैं स्टूडेंट जो आपका हीमोग्लोबिन होता है ये एक तरीके का प्रोटीन है, है ना ये प्रोटीन है स्टूडेंट कहाँ पाया जाता है आरबीसी में पाया जाता है यानी कि रेड ब्लड सेल्स में लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है है ना और इसका काम क्या है स्टूडेंट ये एक तरीके का ट्रांसपोर्टेशन प्रोटीन है कौन सा प्रोटीन है स्टूडेंट एक तरीके का ट्रांसपोर्टेशन प्रोटीन है जिसका काम ये होता है कि ये एक जगह से दूसरी जगह पे न्यूट्रिएंट को ट्रांसफर करता है ठीक है और ये कौन सा आपका क्या ट्रांसफर करता है स्टूडेंट ये ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में सप्लाई करने का काम करता है थ्रो रेस्पिरेटर

इनमें से वो कौन सा ऐसा फैक्टर है जो आपके क्या नहीं करता रक्त का थक्का जमने से रोकता है रक्त वाहिनियों में आपको बताना है इनमें से कौन सा वो आपका ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है जो आपकी रक्त वाहिनियों यानी कि ब्लड वेसल्स के अंदर रक्त का थक्का जमने से रोकता है ये आपको बताना है भाई क्या होगा क्वेश्चन का आंसर बताइए मुझे जल्दी से सब लोग आंसर देंगे कि इसका आंसर यहाँ पे क्या बनेगा what prevents the clotting of blood inside blood vessels क्या होगा स्टूडेंट क्वेश्चन का सही आंसर हिपेरिन है ना अभी बताया था ना ये एक तरीके की डब्ल्यूबीसी है एक ऐसा एंटीकोगुलेंट फैक्टर है जो कि आपकी आर्टरीज और आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर रक्त का थक्का जमने नहीं देता और आपके रक्त को कैसा बनाता है स्टूडेंट पतला बनाता है जिससे वो इजीली क्या हो सके फ्लो हो सके उसका फ्लो आसानी से हो सके ठीक है आगे देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है क्वेश्चन दिया गया है एक बार ध्यान से देखिएगा रेड सेल काउंट इज कैरीड आउट बाय आपको बताना है लाल कोशिका की गिनती किसके द्वारा की जाती है जो लाल रक्त कणिका है स्टूडेंट आप उसकी गिनती किसके द्वारा करते हो ऐसा कौन सा आपका इक्विपमेंट है जिसके द्वारा लाल रक्त कणिकाओं की काउंटिंग की जाती है आपके ब्लड में कि भाई आपके ब्लड में आखिर कितनी हैं इनकी काउंट करने के लिए जो डिवाइस है वो इनमें से कौन सी डिवाइस है बता दो ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसके थ्रू आप क्या करते हो लाल रक्त कणिका को काउंट करते हो कि भाई वो आपके रक्त में कितनी है क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट ध्यान से देख लीजिएगा हीमोसाइटोमीटर साइटोमीटर एक बार ध्यान से देख लेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा ये आपकी एक ऐसी डिवाइस होती है एक ऐसा उपकरण होता है जिसके द्वारा आप रक्त में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या की गणना करते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ एन अडल्ट इज आपको बताना है एक व्यस्क का सामान्य रक्तचाप कितना होता है अच्छा अब पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आखिर रक्तचाप है क्या देखिए जब आप श्वसन की आपकी क्रिया चलती है ना आपका जब हृदय धड़कता है ठीक है जब आपका हृदय क्या होता है धड़कता है ठीक है सो हृदय के धड़कने के समय जो आपकी जो आर्टरीज़ की वॉल हैं पे जो प्रेशर पड़ता है यानी कि आपकी धमनियों की दीवारों पे जो प्रेशर पड़ता है जो दबाव पड़ता है वो ब्लड प्रेशर होता है इतना याद रखिएगा अब दो मुद्दे बड़े आते हैं मेरे सामने कि मैम सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा कौन सा होता है ठीक है तो इतना ध्यान रखिएगा स्टूडेंट सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमेशा ज़्यादा होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमेशा कम होता है हमेशा हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को पहले लिखते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को हम बाद में लिखते हैं अब ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आखिर होता क्या है स्टूडेंट जो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है ये वो प्रेशर होता है कि जब आपका हार्ट धड़कता है बीट करता है सो so बीट करते समय आपके आर्टरीज की वॉल्स पे जो प्रेशर पड़ता है धमनियों की दीवारों पे जो दबाव पड़ता है धड़कते वक्त है ना जब वो फैलता है तो वो क्या कहलाता है स्टूडेंट आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाता है पर जब बीच में आपका हार्ट क्या करता है रेस्ट करता है मतलब लगातार तो नहीं धड़केगा ना धड़केगा रेस्ट करेगा धड़केगा रेस्ट करेगा सो so जो वो रेस्ट वाला फेज होता है जब दबाव कम हो जाता है वो स्थिति कहलाती है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इतना आप लोग याद रखिएगा क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा वन ट्वेंटी एट्टी एम एम एच जी चलिए जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट व्हाट इज पर्नीशियस अनिमिया आपको बताना है कि पर्नीशियस अनिमिया क्या होता है अब देखो यहाँ पे एक बात बता देती हूँ स्टूडेंट पर्नीशियस अनिमिया विटामिन बी ट्वेल्व की वजह से होता है ठीक है आपके शरीर में क्या होता है स्टूडेंट जो आपकी स्टमक होता है स्टमक में पेराइटल सेल होती है ठीक है पेराइटल सेल से एक फैक्टर रिलीज होता है जो कि एक तरीके का प्रोटीन ही होता है जिसे कहते हैं इंटेरेसिक फैक्टर जब वो फैक्टर कम सिक्रीट होता है यानी कि सेल जो है वो डेड होनी शुरू हो जाती है क्यों डेड होती है क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम खुद के ही सेल्स को मारना शुरू कर देता है तो जब वो सेल्स कम होंगी सो इंटेरेसिक फैक्टर कम रिलीज होगा इंटेरेसिक फैक्टर कम रिलीज होगा सो वाइटामिन बी ट्वेल्व कम एब्जॉर्ब होगा विटामिन बी ट्वेल्व कम एब्जॉर्ब होगा

जाता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है स्टूडेंट अच्छे से देखिए एक बार क्वेश्चन है डिप्सोमेनिया क्या होता है एक बार ध्यान से देखिएगा आपको बताना है कि डिप्सोमेनिया क्या होता है आप लोगों का क्वेश्चन है काफी इंटरेस्टिंग है आपको बताना है कि डिप्सोमेनिया क्या होता है एक तरीके का डिप्रेशन एक तरीके का अल्कोहल एडिक्शन टेंडेंसी टू टेक मच वाटर यानी कि बहुत ज्यादा बार बार पानी पीने की आदत या फिर इंसेंटिव बताइएगा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा आपको बताना है कि डिप्सोमैनिया क्या होता है एक तरीके का अवसाद एक तरीके की शराब की लत एक तरीके का ज्यादा पानी लेने की प्रवृत्ति या फिर पागलपन बताओ क्या होगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर क्या कहलाता है डिप्सो देखिए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा स्टूडेंट जो आपका डिप्सो है ये होती है एक तरीके की शराब की लत यानी कि एल्कोहल एडिक्शन को डिप्सो के नाम से जाना जाता है ठीक है जी इसको याद कर लीजिए इसको रट लीजिएगा कि डिप्सो आपकी शराब की लत को कहा जाता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन आपको बताना है इनमें से किस में डाइजेस्टिव एंजाइम मौजूद रहते हैं राइबोसोम्स माइट्रोकॉन्ड्रिया बताइए स्टूडेंट ऐसा कौन है इनमें से जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम मौजूद रहते हैं बताइए देखो आपको मैं एक बात बता दूं जो आपके डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं ना आप उन्हें अगर देखा जाए स्टूडेंट तो एक तरीके से देखिएगा जो डाइजेस्टिव एंजाइम है उनका काम क्या है डाइजेशन करना है ना सो so, यहाँ पे आपकी वो चीज़ जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो ज़्यादातर किस में देखने के लिए मिलती है ज़्यादातर मिलती है स्टूडेंट लाइजोसोम्स में देखने के लिए ठीक है ये ध्यान रखिएगा ये किस में देखने के लिए मिलते हैं लाइजो में देखने के लिए मिलते हैं ये पाए कहाँ जाते हैं सेल में पाए जाते हैं इन्हें सेल का क्या कहा जाता है स्टूडेंट मृत्यु की थैली या फिर सुसाइड बैग भी कहा जाता है इनका काम क्या होता है स्टूडेंट इनका काम ये होता है कि जो सेल आपकी मतलब पुरानी हो जाती है डेड होनी शुरू हो जाती है या फिर वो वीक पड़ जाती है है ना ये उसको खुद ही खा जाते हैं क्योंकि इनके अंदर क्या पाए जाते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं ठीक है इतना आप लोगों को याद रखना है चलिए आगे ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है क्वेश्चन देखिएगा अच्छे से क्वेश्चन है हु इज द फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी बताइएगा आपको बताना है कि भाई एंडोक्राइनोलॉजी के जनक कौन हैं बताओ आपको बताना है कि जो एंडोक्राइनोलॉजी है उसके जनक कौन हैं अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर करने से पहले आपको ये भी पता होना जरूरी है कि एंडोक्राइनोलॉजी होती क्या है स्टूडेंट एंडोक्राइनोलॉजी बेसिकली एक विज्ञान की वो शाखा है जहाँ पे आप शरीर की ग्रंथियों का अध्ययन करते हो एंडोक्राइन ग्लैंड का जो आपके शरीर में अंतः स्त्रावी ग्रंथियाँ होती हैं जो हार्मोन को प्रोड्यूस करती हैं ठीक है जिस विषय में उनका अध्ययन किया जाता है उन ग्रंथियों का अध्ययन किया जाता है उसे एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है इस विषय के बारे में कहाँ से शुरुआत हुई 1921 में स्टूडेंट क्या हुआ था 1921 में इंसुलिन प्रोड्यूस हुआ था ठीक है ना ध्यान से देख लीजिएगा 1921 में क्या हुआ था जो आपका इंसुलिन हार्मोन है वो प्रोड्यूस हुआ था ठीक है ना तो जब लीवर से इंसुलिन प्रोड्यूस हुआ जो कि एक ग्रंथि है तो 1921 से यह नया विषय निखर के आया जिसको एंड्रोकाइनोलॉजी कहा गया जो कि विज्ञान की एक शाखा बनी जहां पे ग्रंथियों का अध्ययन किया जाता है स्पेसिफिकली अंत स्त्रावी ग्रंथियों का जिन्हें ग्लैंड कहते हैं क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट आपका थॉमस एडिसन ठीक है एक बार ध्यान से देख लीजिएगा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा यहाँ पे थॉमस एडिसन ठीक है इन्होंने ही क्या किया है इसको एक तरीके से इसके फादर हैं ये ठीक है चलिएगा आगे ध्यान से देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है क्वेश्चन है हु डिस्कवर ब्लड ग्रुप्स आपको बताना है रक्त समूहों की खोज किसके द्वारा की गई है बताओ आपको बताना है स्टूडेंट कि जो रक्त समूह है जो आपके ब्लड ग्रुप्स है उनकी जो खोज है वो किसके द्वारा की गई है बताइएगा क्या होगा हमारे क्वेश्चन का सही आंसर रक्त समूहों की जो खोज है स्टूडेंट किसके द्वारा की गई है देखिए जो रक्त समूह हैं आपके टोटल कितने होते हैं स्टूडेंट टोटल होते हैं चार है ना एक होता है ए बी एक होता है ए एक होता है बी एक होता है ओ ठीक है ओ होता है यूनिवर्सल डोनर आपका ए बी होता है यूनिवर्सल रिसेप्टर इसे कहते हैं सर्वदाता इसे कहते हैं सर्वग्राही ठीक है ना ये कौन है स्टूडेंट सर्वदाता है ये कौन है सर्वग्राही है है ना तो सबसे लेने वाला है ये ये सबको देने वाला है ठीक है एक बार ध्यान से देख लेंगे इसको मैं करेक्ट करके लिख देती हूं यहाँ पे जिससे आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाए ठीक है ना ये कौन होता है स्टूडेंट ये होता है सर्वग्राही ठीक है ना तो यहां पे क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कॉल लेंटीनर ठीक है ये यह आपका यहां पे हो जाएगा सही आंसर चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन है वेयर इज द लिवर सिचुएटेड इन द बॉडी शरीर में यकृत कहाँ पे स्थित होता है ये आपको बताना है कि आपके शरीर में जो यकृत है स्टूडेंट वो कहाँ पे स्थित होता है अमाश्य अग्नाशय के बगल में दिल के पास गुर्दे के ऊपर पेट के ऊपर बता दो आपको बताना है कि भाई आपके शरीर में लिवर कहाँ पे सिचुएटेड होता है ठीक है ना आपको बताना है स्टूडेंट कि कहाँ पे सिचुएटेड होता है ठीक है बता दीजिए मुझे एक बार स्टूडेंट कि शरीर में यकृत कहाँ पे स्थिर होता है सब लोग आंसर देंगे जल्दी जल्दी मुझे बताएंगे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या होगा तो देखिए स्टूडेंट जो आपके शरीर में यकृत स्थित होता है पेट के ऊपर की तरफ होता है यानी कि अबव स्टमक होता है ठीक है और यहां पे आपको एक बात और बता दू स्टूडेंट लीवर आपकी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है यानी कि सबसे बड़ा अंग सबसे बड़ी ग्रंथि प्लस इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन कलर ठीक है ना ये कैसा होता है रेडिश ब्राउन कलर का होता है चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है स्टूडेंट क्वेश्चन है बाइल सोल्ट एक्ट एज एक्टिवेटर ऑफ विच एंजाइम आपको बताना है कि जो आपके बाइल जूस होते हैं जो आपके पित्त लवण होते हैं वो किस एंजाइम के सक्रियकर्ता के रूप में कार्य करते हैं बता दो भाई बाइल जूस कहाँ से निकलता है लीवर से है ना किसके माध्यम से जाता है आपके बाइल डक्ट, हिपैटिक डक्ट वहीं पे टहलता है है ना सो आपको बताना है जो पित्त लवण है वो किस एंजाइम के सक्रियकर्ता के रूप में कार्य करता है बाइल सॉल्ट की वजह से कौन सा एंजाइम एक्टिवेट होता है ये आप लोगों का क्वेश्चन है बता दो भाई जल्दी से क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा स्टूडेंट जो बाइल सॉल्ट है वो किसके एक्टिवेटर के रूप में काम करता है लाइपेज एंजाइम के ठीक है ध्यान से देख लीजिए स्टूडेंट किसके एक्टिवेटर के तौर पे काम करता है लाइपेज एंजाइम पे और लाइपेज किसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है फैट को डाइजेस्ट करने में यानी कि वसा को पचाने में ये मदद करता है ठीक है चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है क्वेश्चन है स्टूडेंट गिल्सन कैप्सूल कहाँ पे देखे जाते हैं ये आपको बताना है कि जो आपके गिल्सन कैप्सूल हैं ये कहाँ पे देखे जाते हैं सो बताओ स्टूडेंट सब लोग मुझे आंसर देंगे कि आपके जो ये गिल्सन कैप्सूल हैं ये कहाँ पे देखे जाते हैं बताइएगा बताओ भाई कहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं गिल्सन कैप्सूल सब लोग आंसर देंगे ठीक है ना आप लोग बताएंगे मुझे कि गिल्सन कैप्सूल कहां पे देखे जाते हैं अच्छा आपको एक बात और बता देती हूँ ये गिल्सन कैप्सूल जो होते हैं ना ये एक तरीके की कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है ठीक है इतना ध्यान रखिएगा ये क्या होती है स्टूडेंट ये एक तरीके की जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं है, है ना जिन्हें क्या कहा जाता है संयोजी ऊतक तो जो आपके क्या होते हैं स्टूडेंट कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ठीक है उनकी क्या होती है एक लेयर होती है ठीक है एक बार ध्यान से देख लीजिएगा ये फिर कुछ गड़बड़ हो गया है मैं लिख देती हूँ फिर से इसको एक बार रब करके जिससे आपको अच्छे से विजिबल हो जाए ये क्या होते हैं स्टूडेंट कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर होते हैं जो कि कहाँ पे पाई जाती है आपकी हिपैटिक जो आपकी क्या होती है स्टूडेंट हिपैटिक डक्ट होती है ठीक है ना ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट जो आपकी क्या होती है हिपैटिक डक्ट नहीं बल्कि हम कहेंगे हिपैटिक आर्टरी है ना सो so, आपकी क्या होती है स्टूडेंट जो हिपैटिक आर्टरी होती है ये उसके चारों तरफ पाए जाते हैं कहाँ पे पाए जाते हैं जो गिल्सन कैप्सूल हैं एक तरीके की कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है कहाँ पे पाई जाती है आपकी हिपैटिक आर्टरी के चारों तरफ पाए जाते हैं अब हिपैटिक आर्टरी कहाँ होगी लिवर में होगी है ना चलिए सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी ठीक है ये थे आज के क्लास के हमारे क्वेश्चन स्टूडेंट एंड आपका जो होमवर्क क्वेश्चन रहने वाला है वो आपके सामने है सो so ये होमवर्क क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे आज आपको 25 क्वेश्चन कराने का रीजन ये है कि आज के क्वेश्चन एनाटॉमी के क्वेश्चन थे एंड इनमें जल्दबाजी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी है ना ये क्वेश्चन काफ़ी समझ के करने वाले होते हैं काफ़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन वाले होते हैं दैट्स वाई मैंने 30 की जगह 25 क्वेश्चन के सेट आप लोगों के लिए तैयार किए हैं जिससे रेगुलर आप लोगों को कुछ 25-25 क्वेश्चन -25 में तैयार कराती जाऊं, प्लस संडे आप लोगों की एनाटॉमी की मैराथन करा दूंगी ठीक है सो आपका मैराथन और प्लस ये क्लासेस से तीन से चार दिन के अंदर ह्यूमन एनाटॉमी खत्म हो जाएगा ठीक है सो आई होप आपको आज की क्लास में मजा आया होगा स्टूडेंट क्वेश्चन देखिए आज का होमवर्क क्वेश्चन बाइल हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ प्रोटीन आपको ट्रू या फॉल्स में से एक आंसर चुनना है कि पित्त लवण प्रोटीन के पाइसीकरण में मदद करता है हाँ या नहीं ठीक है एक बार ध्यान से देखिएगा आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं स्टूडेंट इंस्टाग्राम पे एट द रेट होम साइंस जंक्शन आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे होम साइंस एजुकेशन बाय प्रेरणा वर्मा साथ ही साथ उन सभी स्टूडेंट को मैं तहे दिल से बधाई देना चाहती हूँ सो मैने मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन स्टूडेंट जिन्होंने इस बार यू जी सी नेट क्वालीफाई किया है और काफ़ी अच्छे अच्छे स्कोर से किया है तो जिन्होंने क्वालिफाई किया है उन लोगों को बहुत बहुत बधाई मैने मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन ऐसे ही आप लोग आगे जे आर एफ क्वालिफाई करें प्लस जिनका नहीं हुआ है वो लोग बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना हो वो अपनी तैयारी को अब और ज्यादा कमर कस के करना शुरू कर दें जिससे कि इस बार वाला मौका उनका छूटने ना पाए ठीक है सो बाय स्टूडेंट्स गुड नाइट टेक केयर ऑल द बेस्ट सभी लोगों को जो बाकी और एग्जाम्स भी देंगे एंड गुड लक बाय गुड नाइट टेक केयर